का लिया। सुनो ठीक है धर्मेंद्र जी, आप मेरी बात सुनिए, बतेरे देखे मैंने, सुनिए आप जैसे बदतमीजी बिल्कुल नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है, जहां आपको दिखाया जाता है गोदी मीडिया का सच। और आज का वीडियो मजेदार होने वाला है, तो अंत तक जरूर बने रहें। पहले क्लिप में हम देखेंगे गोदी मीडिया के सो कॉल्ड एग्जिट पोल के प्रोजेक्शंस की हर बार कैसे धज्जियां उड़ती हैं, क्योंकि इनका एक भी अनुमान सही नहीं होता। आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी 173 से 192, दो तिहाई बहुमत से जीत दर्ज करती हुई बीजेपी, और तृणमूल कांग्रेस जो है सिमट कर 64 से 88 सीटों पर आती हुई नजर आ रही है, जबकि 7 से 12 कांग्रेस प्लस को मिलती हुई नजर आ रही है, और अदर्स का खाता जो है वो नहीं खुला है। अमित मालवीय जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमित मालवीय जी, हमारा एग्जिट पोल ये बताता है कि दो तिहाई बहुमत से ज्यादा सीटें आप तो जीत रहे हैं, क्या यही आपका भी आंकलन है, या दरअसल आपको लगता है कि 200 के पार उसके नीचे बिल्कुल नहीं? Many months later. बस हवा निकल गई। एग्जिट पोल्स आर एग्जिट पोल्स, so you know there is no point in comment. कितने संतुष्ट हैं आप लोग एग्जिट पोल के नतीजों से? हम टीवी के दम मान भी नहीं करते हैं, टीवी पैसा पर चलता है, टीवी के कोई व्यवहार नहीं रह गया है, टीवी जो लोग देखता है वो पगला है, हम तो कहते टीवी देखने हमने चाहिए। तो अगला क्लिप है हमारे भारत लौटे यूक्रेन के विद्यार्थियों से, जब माननीय मोदी जी का नारा लगाने को कहा तो कैसे सभी छात्रों ने चुप्पी साध ली, और कैसे बीजेपी के नेता सिर्फ देखते ही रह गए, और जो इनको गलत बता रहे थे उन्हें सिर्फ एक ही चीज कहना चाहेंगे कि हमारे भारत में अगर कोई प्राइवेट डॉक्टरेट करना चाहे तो यूक्रेन से 3 गुना ज्यादा फीस भरनी पड़ती है, तो इसलिए हमारे लोग बाहर जाते हैं पढ़ाई करने। ऐसे ही अगले क्लिप में यूक्रेन से वापस लौटे छात्रों को जब बीजेपी के नेता हाथ में फूल लेकर उन्हें देना चाहते थे तो कैसे उन छात्रों ने फूल को लेने से मना कर दिया, और इसकी वजह हमारे यूक्रेन में बैठी इंडियन एम्बेसी है, जिसका कार्य था हमारे भारतीयों की सुरक्षा का, पर उन्होंने वहां पर अपने हाथ खड़े कर दिए। तो दोस्तों अगला क्लिप बहुत वायरल हो रहा है, यूपी के इलेक्शंस के दौरान बीजेपी के कुछ लोग ईवीएम मशीन को कहीं अपने वाहनों पर ले जाते नजर आए तो कैसे आम नागरिकों ने उन्हें घेरा, जहां 2 ट्रक वहां से भाग निकले पर 1 ट्रक को जनता ने पकड़ा। ईवीएम बीजेपी का सरेआम घोटाला देखिए, पहाड़िया मंडी में ईवीएम का जनता द्वारा पकड़ा गया, ईवीएम चोरियाई, यही बीजेपी सरकार है, देख लीजिए, चैलेंज ठोकते हैं सरकार बनाएंगे, ये बीजेपी सरकार निकम्मी सरकार है, बीजेपी निकम्मी, यहाँ सीओ साहब हैं, सभी लोग हैं, रंगे हाथ पकड़ा गया है, 2 गाड़ी। इसी विषय पर अखिलेश यादव ने क्या कहा ये देखें अगले क्लिप में। अखिलेश यादव ने बताया कि इलेक्शंस के दौरान ईवीएम मशीन को कहीं भी ले जाने से पहले सभी कैंडिडेट्स की अनुमति होना जरूरी होता है। आज देखने को मिला है बनारस में कि जहां ईवीएम ले जाई जा रही थी, 1 ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी, ये बोट की चोरी जो नहीं कर रही थी, तो कम से कम बताए कि 1 गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, लाइव है, अभी भी हम लाइव देख सकते हैं, 2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है, अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम जा रही है? और ईवीएम्स के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो, तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईवीएम्स को मूव,
अगले क्लिप में हम देखेंगे कैसे भूपेश बघेल ने गोदी एंकर की बोलती बंद की और बताया कि हमारे पीएम और उनकी पार्टी जुमलेबाज है। नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में सब जानते हैं, उसे बताने क्या जरूरत है, जुमलेबाज हैं। अब वो देश के प्रधानमंत्री को आप जुमलेबाज बोल रहे हैं? हाँ भाई, दो करोड़ भाई, उसको मैं नहीं बोला जुमलेबाज। जब बोले कि 2 करोड़ नौकरी दो और 15-15 लाख कब आएंगे, तो अमित शाह जी मीडिया के सामने आके बोले कि ये तो जुमला था, तो उन्होंने कहा जुमला है। जब उसके गृह मंत्री बोल रहे हैं कि जुमला है, तत्कालीन उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि जुमला है, तो फिर मैं क्यों ना बोलूं भाई। अगले क्लिप में जो गोदी एंकर रूह बिका लियाकत की इस किसान प्रवक्ता ने बोलती बंद करवाई है, ये उन सब गोदी मीडिया के एंकरों के मुंह पर तमाचा है जो अपने शो पर बुलाकर अपने मेहमानों का निरादर करते हैं। विधवा विलाप का क्या मतलब है, मुझे ये बताइए। विधवा विलाप का मतलब, मुझे विधवा विलाप इस शब्द से आपत्ति। विधवा विलाप का मतलब है, पहले बिल्कुल ये आपत्ति तो मुझे भी बहुत सारी है। नहीं नहीं, आपके विधवा विलाप से मुझे आपत्ति है, इसलिए आपत्ति तो मुझे आपकी खाप पंचायत में चल रही है। रूबिका लियाकत का हुंकार चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर मैं हुंकार भरती हूँ। अरे रूबिका लियाकत सुनो, ठीक है धर्मेंद्र जी, आप मेरी बात सुनिए, बतेरे देखे मैंने, सुनिए, आप जैसे बदतमीजी बिल्कुल नहीं चलेगी। अगले क्लिप में हम देखेंगे जब गोदी एंकर बीजेपी की ओर से उनकी प्रवक्ता बनने की कोशिश में थी, तो कैसे एएमएम के प्रवक्ता असीम वकार ने गोदी एंकर और बीजेपी की पोल खोली। बेरोजगारी सिर्फ एक बोगी है सैयद असीम वकार, नौकरियां मिल रही हैं, और दूसरी बड़ी बात है कि जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, वहां पे योगी आदित्यनाथ को फुल मार्क्स मिल रहे हैं। लोग उनको ना सिर्फ गांव में पर शहरों में वोट कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बुलडोजर चल रहा है, वोट मिल रहा है। सैयद असीम बकार साहब, मैं शुरू से एक बात कहता हूं कि जब चुनाव होता है, मैं एक बात कहता हूं हमेशा से, जब चुनाव होता है और चुनाव की जब डेट पोल की आती है, तो चुनाव दो जगह बढ़ जाता है, वो लोग जो सरकार हटाना चाहते हैं, दूसरी सरकार लाना चाहते हैं, और वो लोग जो सरकार को दोबारा रिपीट करना चाहते हैं। चुनाव इन्हीं दोनों लोगों के बीच में होता है, इन्हीं दोनों बातों के बीच में होता है, सरकार बनाना है या सरकार वापस लाना है या हटाना है, इसके अलावा कोई मुद्दा होता नहीं है मैडम। और रही बात जिनको लगता है कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि शायद उन्होंने उस हाथरस की बेटी का और उसके परिवार का दर्द देखा नहीं। जो लोग कहते हैं कि स्वास्थ्य सेवा बहुत अच्छी थी, उन्होंने कोरोना में किसी अपने को खोया नहीं, तो मैं इन बातों में जाता नहीं हूँ। 3 दिन बाकी हैं, 3 दिन के बाद अभी सब दूध का दूध पानी का पानी। बस सैयद असीम वकार, आपको लगता नहीं कि किसी भी प्रदेश के लिए ये चीज, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आपकी पार्टी दोनों के ऊपर ये इल्जाम था कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, पर अगर उत्तर प्रदेश के लोगों की राय देख ले तो यहाँ पर कम्युनल पॉलिटिक्स को सबसे कम नंबर दिए गए हैं। लोग सच में नौकरी की बात कर रहे हैं, सच में न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हैं। सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट, कि यहां पर अब ये नहीं है कि आप किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, अब लोग कह रहे हैं हां जी नौकरी पे देंगे, न्याय व्यवस्था पे देंगे। नहीं तो ना, तो आपका जो पोल दिखा रहा है या किसी चैनल का पोल जो मैं देख रहा हूं, सबका पलट पलट देख रहा हूं, किसी का भी एग्जिट पोल इस बात पर नहीं दिखा रहा है कि वो नौकरी पे चुनाव हुआ हो या न्याय व्यवस्था पे हुआ हो। मैक्सिमम लोग नारे लगाते फिर रहे हैं धर्म के, जो पहले लगा रहे थे वो आज भी लगा रहे हैं। मैक्सिमम लोगों को जो मैंने देखा इंटरव्यू दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मंदिर बन गया, मंदिर बन गया। तो आप जो चुनाव, जिन लोगों का इंटरव्यू आपने लिया है या जो लोग खड़े थे, मैं समझता हूँ या तो वही लोग बाहर आए होंगे या आपका कैमरा उन्हीं लोगों के बीच में गया होगा। नहीं, पर मैं फिर आपसे कह रहा हूँ 10 तारीख बहुत दूर नहीं है। अच्छा, आपको सच में लगता है कि अभी भी जात पात पर ही वोट पड़ रहा है, इससे पहले कि संजू वर्मा जवाब दे, हर्षवर्धन जी। अगले क्लिप में हमारे पीएम मोदी जी आपको फोटोग्राफी और इंटरनेट का ज्ञान बांटेंगे। और दोस्तों, एक बात जरूर दिमाग में रखें कि भारत में इंटरनेट सेवा पहली बार 15 अगस्त 1995 में लॉन्च हुई और प्राइवेट सेक्टर में नवंबर में प्रदान की गई, पर हमारे पीएम मोदी जी ने 1987 में पहली बार फोटो खींचकर मेल कर दी थी। शायद देश में
शायद क्योंकि कोई हो सकता है, मुझे मालूम नहीं, मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में शायद, और उस समय बहुत कम लोगों के पास ईमेल रहता था। तो मेरे यहां विरमगाम तहसील में अडवाणी जी की सभा थी, तो मैंने वो डिजिटल कैमरा पर उनकी फोटो ली। तब डिजिटल कैमरा इतना बड़ा आता था, मेरे पास था उस समय, मैंने फोटो निकाली और मैंने दिल्ली को ट्रांसमिट की और दूसरे दिन कलर फोटो छपी। तो आडवाणी जी को बड़ा सरप्राइज हुआ कि दिल्ली में मेरी कलर फोटो आज की। और अंत में दोस्तों एक खुशखबरी, गोदी मीडिया के तिहाड़ी चाटुकार सुधीर चौधरी के मुंह पर लगा तमाचा। इंडियन नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने जी न्यूज को किसानों के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने के आरोप में दोषी माना और उन सब वीडियोस को डिलीट करने का आदेश दिया। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।